इसके पहले आपने आंदोलन किया था, इसके पहले आंदोलन से पहले कामगार 6 घंटा काम करते थे, आंदोलन के बाद 4 घंटा काम हो गया। इसमें कामगारों का तो फायदा हो गया कि उनकी ड्यूटी कम हो गई, पगार बढ़ गया, लेकिन मालेगांव शहर का नुकसान हुआ कि ड्यूटी कम होने से जो कचरा 12 बजे तक उठता था वो 10 बजे के बाद कचरा नहीं उठता, शहर में पूरे शहर में गंदगी फैली रहती है। तो आपको ये करना चाहिए ताकि उनकी 6 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे करवा कर उनका पीए पर एसआई लागू करना था, आपने 4 घंटे पर ला के शहर का नुकसान करवाया। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। डॉक्टर साहब, आज मालेगांव महानगर पालिका में आना हुआ, क्या विषय था? अच्छा, इसके मालेगांव महानगर पालिका में घंटा गाड़ी कामगार और सफाई कामगार, ये सब कामगार ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि हम उनको किमान वेतन मिलना चाहिए, ईएसआई प्रोविडेंट फंड लागू होना चाहिए, उनको बोनस मिलना चाहिए, जब काम करते तो उसके लिए जो साधन लगता है वो सुरक्षा साधन मिलना चाहिए, उनका बोनस जो दिया नहीं वो मिलना चाहिए, ये सब सवाल पेंडिंग थे। तो नए कमिश्नर साहब आए तो उनके साथ में आज चर्चा करने का निर्णय था, वो हिसाब से अभी उनके साथ में सभी मांगों के बारे में काफी अच्छी चर्चा हो गई। हमने 2 बातें उनके सामने रखी है कि जो ठेकेदार कानून का अमल नहीं करता है, किसान वेतन और कामगार के जो कानून है उसको अमल नहीं करता है और कामगार का शोषण करता है, वो ठेकेदार को आपको निकालना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। और जो ठेकेदार, एक तो ये लोगों को महानगर पालिका में कायम करना चाहिए, क्योंकि ये रोज का काम है, एसेंशियल सर्विस जिसको बोलते हैं वो एसेंशियल सर्विस है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट के तहत भी ये महानगर पालिका में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है गैर कानूनी है। तो हमारी ये पहली डिमांड थी कि ये ठेकेदारी को समाप्त करो और महानगर पालिका के माध्यम से उनके तरफ से इन लोगों से काम करवा लो, ये पहला मुद्दा। दूसरा था कि लोगों का जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो उनको मिला नहीं है, जो सफाई कामगार है उनको 4 घंटा काम दिया जाता है, उनको 8 घंटा काम मिलना चाहिए, पूरा किमान वेतन मिलना चाहिए, यह हमारी मांग थी, उनके सामने रखी है। और उसके साथ में उनका बोनस जो 2022-23 का बोनस है वो बोनस भी उन्होंने नहीं दिया, वैसे ही परमानेंट वर्कर जो है महानगर पालिका के उनका भी बोनस नहीं मिला है, उनके पिछले बजट में उसकी तरतूद है मगर फिर भी उनको बोनस नहीं मिला, वो बोनस भी देना चाहिए, ये भी हमने मांग रखी है। अभी नई कंपनी को टेंडर दिया जाने वाला है, आचार संहिता की वजह से रुक गया है, आचार संहिता के बाद फौरन नई कंपनी को नया टेंडर दिया जाएगा, उस पर आपकी क्या है, टेंडर देना चाहिए क्या? हमारी मांग तो ऐसा है कि कोई ठेकेदार लाने की जरूरत नहीं, आप महानगर पालिका के माध्यम से यह काम चलाना चाहिए और ठेकेदारी को समाप्त करना चाहिए। दूसरा बात है कि अगर किसी को ठेका दिया भी जाता है तो वो ठेकेदार को इन्होंने महापालिका ने स्पष्ट रूप में बोलना चाहिए कि किमान वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, छुट्टी, ये सब अधिकार ये कामगारों को मिलेंगे इसकी खातरी करके उनको देना चाहिए। अगर नया ठेकेदार आके भी अगर कानून का अमल नहीं होगा तो वह चलेगा नहीं, ये हमने नए ठेकेदार का जो बना हुआ सिस्टम देने का आर्गुमेंट जो हुआ है उसमें किमान वेतन और उसमें जो है तो सारे लिए गए हैं, लेकिन अमल बजौनी नहीं होती। वही बात कमिश्नर साहब से बात हुई है कि जो पहले के दोनों ठेकेदार हैं उनके जो एग्रीमेंट है उसमें किमान वेतन और सब लिखा हुआ है मगर उसका अमल नहीं होता है, तो यह महापालिका की जिम्मेदारी है कि वो अमल बजौनी करने की जिम्मेदारी महापालिका की है। हमने ये भी बताया उनको, लेकिन अगर ठेकेदार ये नहीं करेंगे तो हम ये महापालिका से ये पैसा वसूल करेंगे। आपको पता होगा कि एक ठेकेदार के विरोध में हमने रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए अर्जी दिया है और 7 करोड़ रुपए की रिकवरी का हम मांग किया है। दूसरा, एक ठेकेदार के विरोध में हमने प्रोविडेंट फंड में कम्प्लेंट किया है, 1.25 करोड़ रुपए का वहां पे उनके ऊपर पैसा ठेकेदार के ऊपर निकलता है। तो हमने ये बोला कि अगर ये कानून का अमल नहीं करेंगे तो ये 7 करोड़ रुपया ये महापालिका को देने पड़ेंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। इसके लिए हमने बोला है कि अगर कोई ठेकेदार आता है तो उसको ये सब चीजें आपके सामने उसको करना पड़ेगा और आपके अधिकारी उसके ऊपर निगरानी करना चाहिए कि किमान वेतन दिया, बोनस नहीं दिया, जो भी है वो उन्होंने देखना चाहिए, ये अधिकारी की जिम्मेदारी है। नगर पालिका तो ये बोल के छुटकारा ले लेते कि हमने टेंडर दे दिया है, आप कंपनी जाने और तुम जाने, नगर पालिका का कोई संबंध नहीं। नगर पालिका ऐसा बोलती है गलत है, कानून से गलत है वो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 7-8 करोड़ रुपए की रिकवरी ठेकेदार के विरोध में हमने निकाला है, अगर ठेकेदार ने वो पैसा नहीं दिया तो ये पूरा पैसा महानगर पालिका को देना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति है।
और यह हमने आज कमिश्नर साहब को बताया है कि इसको आप सीरियसली ले लो, जो ठेकेदार आएगा उसको यह पूरा अमल करना पड़ेगा, नहीं तो महानगर पालिका को यह बोझ पड़ेगा और इसके लिए वो आपको वो सतर्कता से देखना पड़ेगा, यह हमने उनको बोल दिया। और मेरा आने का मकसद यही है कि ठेकेदार आएगा, नया भी ठेकेदार आएगा तो यही कामगारों को काम मिलना चाहिए और पूरे कानून की अमल बजावड़ी होनी चाहिए, इसके लिए मैं आया हूँ और आज उनसे चर्चा किया है। एक आखिरी सवाल, इसके पहले आपने आंदोलन किया था, इसके पहले आंदोलन से पहले कामगार 6 घंटा काम करते थे, आंदोलन के बाद 4 घंटा काम हो गया, इसमें कामगारों का तो फायदा हो गया कि उनकी ड्यूटी कम हो गई, पगार बढ़ गया, लेकिन मालेगांव शहर का नुकसान हुआ कि ड्यूटी कम होने से जो कचरा 12 बजे तक उठता था वो 10 बजे के बाद कचरा नहीं उठता, शहर में पूरे शहर में गंदगी फैली रहती है, तो आपको ये करना चाहिए ताकि उनकी 6 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे करवा कर उनका पीएफ और एसआई लागू करवाया था, आपने 4 घंटे पर लाके शहर का नुकसान करवाया। देखो आपको पता होगा कि हमारी मांग है 8 घंटे का ड्यूटी, आज भी उसके ऊपर काफी चर्चा होगी, हमने महापालिका के आयुक्त साहब को ये बताया है कि आप 4 घंटा ड्यूटी कर रहे हो और पूरा मालेगांव शहर साफ सफाई की अपेक्षा कर रहे हो, ये गलत है, ये हो नहीं सकता है, आपको इनको 8 घंटे का ही काम देना चाहिए, यह हमने आज भी बोला, इसके पहले भी बोला था। दूसरी बात है कि मालेगांव शहर बड़ा शहर है, लोक संख्या ज्यादा है और गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, झोपड़पट्टियों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ कामगारों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, नासिक और बॉम्बे की तुलना में यहाँ पे कामगारों की संख्या ज्यादा होगी तो ही यह शहर साफ सुथरा हो सकता है, ये भी हमने आज उनको बोला है। तो हमारी मांग तो 8 घंटे की है, यह 4 घंटे में जो मिलता है 8-9 हजार रुपए उसमें घर नहीं चलता है, ये भी हमने आज कमिश्नर साहब को बोला है और हमने बोला है कि इनको परमानेंट करो, 8 घंटा काम दे दो और 8 घंटे का पगार दे दो, यह हमने मांग किया। अभी हो रहा है कि महापालिका का पैसा खर्चा हो रहा है मगर शहर की सफाई भी नहीं हो रही है और कामगारों को भी न्याय नहीं मिल रहा है, ये बात है, मगर अगर ठेकेदार हमको पूरा 8 घंटे का किमान वेतन नहीं देंगे तो हम फुकट में काम नहीं करेंगे, तो हमने ये बोला है कि जो तो जितना पगार देगा कानून से उतने घंटे हम काम करेंगे, इसके लिए हम वो 4 घंटा काम कर रहे हैं, अगर वो 8 घंटे का पगार देते तो हम 8 घंटा काम करने के लिए तैयार हैं। तो और ये क्यों होता है आपको पता है कि यहाँ के जो महापालिका है, यहाँ के जो सत्ताधारी है, उनकी जिम्मेदारी है, ये सरकार ने भूमिका लेनी चाहिए कि 4 घंटे के बजाय 8 घंटा ड्यूटी देने का, तो सरकार ये काम नहीं कर रही है, यहाँ के नेता लोग उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, ये बात है। क्या आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने? कमिश्नर साहब ने बोला कि काफी सवाल इसके पहले भी परमानेंट लोगों के, कॉन्ट्रैक्ट लोगों के, एक एक करके देखो लोगों को टाइम पे पगार नहीं मिलता था, वाटर ग्रेस के लोगों का 3 महीने का पगार थकित था, तो उन्होंने किया कि 3 महीने में उन्होंने कुछ वार करके कुछ सवाल हल किए हैं, अभी उन्होंने ये बोला है कि आज की मीटिंग में जो भी बात हुआ है एक फेज वाइज तरीके से मैं इसमें ध्यान दे दूंगा, जो भी लोगों की डिमांड है एक एक करके मैं उनको एक डिमांड को मैं पूरी करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि ठेकेदार बदला तो भी यही कामगार रहेंगे, इसके लिए महापालिका भूमिका लेगी।